तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी होगी, कौन सा कोर्स करना होगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया, यह सभी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में दी जाएगी। अगर दोस्तों आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल बनकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो आइए चलिए जान लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। आपको स्टेप बाय स्टेप क्या अन्य ढेरों छात्रों की तरह आप भी सपना देख रहे हैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने का था, तो जानते हैं कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सभी जानकारियाँ दी जाएंगी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जरूरी है। आपके सपनों को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगी। तो आइए चलते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों जान लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए योग्यता क्या है। यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सभी पात्रता शर्तों को पूरा करें, अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। सभी आवेदकों को पात्रता मानदंड UPRPB द्वारा जाँच किया जाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की जानकारी की तरफ। यूपी पुलिस कांस्टेबल एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। सबसे पहले प्रश्न जो हर एक विद्यार्थी के दिमाग में उत्पन्न होता है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल बनना चाहते हैं, कि आखिर यूपी पुलिस हवलदार बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यह बात जान लेते हैं कि शुरुआत करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। क्या एक पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको कम से कम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। 12वीं आप किसी भी साइट आर्ट कॉमर्स साइंस से कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों जान लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए योग्यता। एज लिमिट, मेल कांस्टेबल न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 22 साल होनी चाहिए। फीमेल कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल बनने के लिए आपकी आयु 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए। एज रिलेक्शन, अगर आप SC ST OBC की श्रेणी में आते हैं तो आपको सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। तो आइए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये चलिए दोस्तों जान लेते हैं, यह तो हमने जान ही लिया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम ज़रूरतें क्या हैं। अब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए आपकी शारीरिक क्षमता कितनी होनी चाहिए, जो कि पुलिस में भर्ती के लिए आपको बहुत ज़रूरी मापदंड है। यूपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड, यूपी पुलिस फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल कांस्टेबल। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक इस प्रकार हैं। ऊंचाई, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों में पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए चलिए दोस्तों, सीना कितना होना चाहिए। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी के साथ अनुसूचित जनजातियों में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि पुरुष
अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। यूपी पुलिस फिजिकल इफेक्टनरी फॉर फीमेल कांस्टेबल, पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 25 मिनट में पूरी करनी आनी चाहिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये चलिए दोस्तों, यूपी पुलिस फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कांस्टेबल, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक इस प्रकार हैं। ऊंचाई, जनरल ओबीसी तथा एससी महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 140 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन, महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जान लेते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए और कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो आइए चलिए दोस्तों जान लेते हैं, यूपी पुलिस फिजिकल इफेक्टनरी फॉर फीमेल कांस्टेबल, महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 14 मिनट में पूरी करनी आनी चाहिए। नोट, जो अभ्यर्थी इस तय सीमा में दौड़ को पूरा करने के लिए असमर्थ होंगे अथवा शारीरिक मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनको यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। सबसे पहले जो आपको अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करनी होगी, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपका 12th कक्षा पास होना अनिवार्य है। स्टेप 2, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन कैसे करें। यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड पर ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना नाम कांस्टेबल पद के लिए पंजीकृत करना होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों, स्टेप 3, यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, रिटर्न एग्ज़ाम लिखित परीक्षा। यहाँ से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने का सफ़र शुरू होता है, जिसमें कि पहला पड़ाव लिखित परीक्षा है। आगे के चरणों में आगे बढ़ने के लिए आपको लिखित परीक्षा को पास करना होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से आयोजित की जा सकती है। परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी, उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल की शुरुआती सैलरी 21,000 से लेकर 25,500 होती है। इसके अलावा आपको अन्य और भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को अपनी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लोग इसमें अपना करियर बना सकते हैं उन्हें भी काफ़ी मदद मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।